8. एक बेसमेंट जो घर में ही था, पर घर वालों को ही उसके बारे में कुछ पता नहीं था। पता था तो बस दीना नाथ जी और निर्मला जी को। पर आखिर क्या था इस बेसमेंट में जो उन्होंने सबसे छुपाया? यहां तक कि उन्होंने अपने परिवार वालों को भी इसके बारे में कुछ बताया नहीं था। बेसमेंट खुला। सबसे आगे वेदा थे, उनके पीछे आर्यन और उसके पीछे शंकर। सबके हाथ में टॉर्च थी और सब डरे हुए थे। वो तीनों नीचे पहुंचे तो एक छोटा सा कमरा था जिसमें से काफी गंध आ रही थी और उसमें भड़ास भी काफी थी, जो कि जाहिर सी बात है, ये बेसमेंट पिछले काफी सालों से बंद था और ना जाने ऐसा क्या था इसमें जो इसे खोला ही नहीं गया और इसके ऊपर ही हवन कराया जाता है। और इसी के साथ वो पाइप। सवाल वेदा के मन में एकाएक घूमने लगे। वेदा बस आसपास का मुआयना कर रहे थे कि तभी उन्हें एक पाइप दिखाई दी, जो शायद वही पाइप थी जो निर्मला जी के कमरे से निकली थी। ये पाइप इस बेसमेंट में आकर खुल रही थी और यहीं पर आर्यन का गोप्रो कैमरा भी था। सर, मिल गया मेरा कैमरा, अब हम रिकॉर्डिंग से जान पाएंगे किसकी डोरी काटी किसने थी, कैमरा उठाते हुए वो बोला, जिस पर वेदा उसे शांत रहने का इशारा करते हैं। उन्हें सामने लकड़ी का एक ताबूत दिखाई दे रहा था जो काफी सड़ गया था। वेदा उसे खोलने को कहते और बड़ी सावधानी के साथ शंकर और आर्यन उस ताबूत को खोलते तो जो उसके अंदर होता है उससे उनकी रूह कांप जाती है। एक नरकंकाल उसके अंदर था और हैरानी की बात यह थी कि उसका सर गायब था। इतने सालों से बंद रहने की वजह से वो पूरा सड़ चुका था और उससे इतनी ज्यादा गंध आ रही थी कि उनको तुरंत बेसमेंट से बाहर निकलना पड़ा। पर वेदा वहीं पर खड़े थे और महसूस कर रहे थे ताकत, ताकत जो काफी गुस्से में थी, ताकत जो उदास थी, ताकत जो रो रही थी और इसी के साथ दे रही थी बद्दुआएं। तभी उन्हें ऐसा लगा कि सीढ़ियों से होते हुए उनके पास कोई आया। वेदा ने पलट कर देखा पर वहां पर कोई भी नहीं था। एकदम से बाहर जितने भी बल्ब थे वो टूटने लगे। वेदा बाहर निकले तो देखा जितने भी घर में शीशे थे सब पर बस एक ही बात लिखी थी, मुझे मेरा सर वापस कर दो। आखिर ऐसा कौन सा राज दफन था यहां पर जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था और जो शायद जानता था वो जिंदा ही नहीं बचा। वेदा को एकदम से लगा कि उनके बगल से कोई गुजरा। उन्होंने देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, पर उन्हें वहां पर किसी के होने की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। कोई पावर थी वहां पर, कोई था जो उन्हें देख रहा था, पर वेदा उसे नहीं देख पा रहे थे। उलझन में पड़े वेदा को देख आर्यन बोले, सर क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? जिस पर वेदा कहते हैं, ठीक हूं मैं, पर यहां आसपास कोई है जो हमें देख रहा है पर हम उसे नहीं देख पा रहे, ना जाने क्यों, और वो यही है कहीं आसपास। वेदा ने सामने वाली दीवार को छूते हुए कहा कि एकदम से उन्होंने अपना हाथ दूर किया और शीशे पर एक और चीज लिखी हुई आई, मैं इसी के अंदर रहता हूं, मुझे मेरा सर वापस कर दो, मुझे मुक्त कर दो, मैं यहां से चला जाऊंगा वरना एक एक को मैं मार दूंगा। वेदा का सर चकराने लगा। अरे यार शंकर, ये सब क्या है, तुम्हारे घर के नीचे बेसमेंट है, तुम्हें कुछ नहीं पता, चलो मान सकता हूं। उसके बाद अंदर एक सरकटी लाश को ताबूत में रखा गया है, उसके बारे में भी तुम्हें कुछ नहीं पता, ऊपर से एक पेटी भी है जिसके पीछे यह आत्मा पड़ी है और उसके बारे में भी तुम्हें कुछ नहीं पता, आखिर हो क्या रहा यहां पर? वेदा ने सीधे सवाल के गोले शंकर की ओर छोड़े, जिस पर वो बड़े आराम से एक बात बोलकर बच गया। सर सच में हमें नहीं पता। पता नहीं, यही जवाब
वेदा कब से यहाँ पर सुन रहे थे? वो जब से यहाँ पर आए थे बस उन्हें यही सुनने को मिल रहा था। आखिर कैसा परिवार है ये? वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी शीशे पर जो लिखा था वो मिटा और दोबारा से कोई कुछ लिखने लगा। झूठ है, इसे सब कुछ पता है, मैं कौन हूं और मुझे क्या चाहिए। वेदा ने पलटकर शंकर को देखा। सुनो, झूठ मत बोलो, क्योंकि आत्माएं झूठ नहीं बोलती। सच सच बता दो, क्या छुपा रहे हो? वेदा ने शंकर की ओर बढ़ते हुए कहा, जिस पर शंकर एकदम से पलटा और बाहर की ओर भागने लगा कि दरवाजे अपने आप बंद हुए और एक साया दीवार से बाहर निकला और शंकर का गला दबाने लगा। बता दे सच, सच बता दे, अभी भी मौका है, सच बता दे। वेदा भाग कर आए, उन्होंने उसे बचाया और जब देखा तो शंकर ने हाथ में वो कलावा नहीं बांधा था जो वेदा ने दिया था। और यह देखकर वेदा का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने शंकर का गिरेबान पकड़ा और कहा, देखो मैं जान गया हूं, तुम्हें सब पता है, यहां पर क्या हुआ है ये सिर्फ तुम जानते हो और हमसे छुपा रहे हो। और ऐसे भोले बनने का कोई फायदा नहीं है, इतने दिनों से तुम काफी भोले बन लिए और ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे तुम कुछ जानते नहीं हो। देखो मैं चला जाऊंगा अब यहां से, और फिर वो पुलिस आएगी और फिर जो होगा मुझे मत कुछ बोलना, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। तुम जानबूझकर अपने घर में कुछ करते हो, बाद में कुछ होता है तो सच भी नहीं बताते हो। घर के सभी सदस्य शंकर से कहने लगे कि वेदा को सच सच बता दो, तभी वो हमारी मदद कर सकेंगे। और जमीन पर बैठते हुए रोते रोते अब शंकर सबको सच सच बताने लगा। सच इस बेसमेंट का, सच उसकी माँ की मौत का और सच इस घर का। देखिए मैं ये इसलिए छुपा रहा था और मैंने सबसे ये इसलिए छुपाया क्योंकि इसने हमारी गरीबी दूर करी। हम लोग बहुत गरीब थे, गरीबी हमारे लिए शराब की तरह थी जो सदियों से चलती आ रही थी। हमारे साथ पूछते गरीब थे और हम भी, पापा कोई भी काम शुरू करते ना काम रहते। उन्होंने बहुत मेहनत करी पर उन्हें लगा कि शायद ये शराब है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। पर फिर उन्हें एक बाबा मिले, तांत्रिक वाले, उन्होंने उन्हें एक तरकीब बताई जिससे हम गरीबी रेखा से बाहर आए और आज हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। बहुत लग्जरी नहीं है हमारे पास पर हम सुखी हैं। और अगर मैंने बता दिया सच तो वो उसे ले जाएगा और हमारी गरीबी वापस आ जाएगी और मैं चाहता नहीं हूँ फिर से वापस ऐसी जिंदगी जीना, इसलिए मैं छुपा रहा था। वेदा उसकी भावनाओं को समझे, उन्होंने उसके गिरेबान को छोड़ा और कहा, देखो तुम मुझे बता दो क्या हुआ था और क्या कहानी है यहाँ की, बाकी हम सब देख लेंगे बाद में क्या करना है। जिस पर ना चाहते हुए भी शंकर को कहानी सुनानी पड़ी। बहुत सालों पहले जब हम इस गरीबी के शराब से छुटकारा पाने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे तब पिताजी को एक तांत्रिक बाबा मिले जो सिद्ध थे और वो राहगीर थे, मतलब वो एक जगह पर टिकते नहीं थे। उन्होंने मेरे पिताजी को एक बहुत बढ़िया रास्ता बताया। दरअसल उस तांत्रिक के पास एक विधि थी जिससे हम अमीर हो जाते, उसके लिए हमें एक तेली का सर चाहिए था। हमारे पिता का एक दोस्त था जो तेली था और वो बहुत शराब पीता था। एक दिन पिताजी ने उसे शराब पिलाने के बहाने घर बुलाया और उसे मार दिया। उसका सर काटकर वो उस बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी जो क्रियाएं होती हैं, जो विधि होती है वो शुरू कर दी और फिर वो सर उनको दे दिया और कहा, इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखना और ये एक खजाने की तरह है तो इसकी रखवाली करना भी जरूरी है क्योंकि वो आत्मा इसे ढूंढने आएगी। अब बिना इस सर के उसे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। खैर उसके बाद जो करना था उन्होंने किया। रातों रात उनकी लॉटरी लगी, हमने ये घर लिया और सबसे पहले उन्होंने एक बेसमेंट बनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा ने कहा था इसकी बॉडी को कैद करके रखना, इसकी आत्मा इस सर को उसके शरीर से जोड़ना चाहेगी और इसी के बाद उसको मुक्ति मिल पाएगी और तब तक वो आत्मा भटकती रहेगी। तो उसे रोक कर रखने के लिए एक बेसमेंट बनाया और ठीक उसी के ऊपर हम लोग हवन करते, पूजा करते
और वो पाइप का राज ये है कि वहाँ से सीधा मम्मी कभी गंगा जल कभी पूजा पाठ की चीज़ें यहाँ पर फेंकती रहती ताकि वो आत्मा थोड़ी शांत रहे। पर ना जाने कैसे वो वापस आ गया और अब अपना सर मांग रहा है और अभी वो दीवारों में है। अच्छा तो मुझे ये बताओ उसका सर कहाँ पर है? हमें उसका सर देकर उसकी मुक्ति करानी होगी क्योंकि जैसी आत्माएं होती हैं ये जितनी फंसी होती हैं जितनी पुरानी होती हैं और जितनी ज़्यादा मुक्ति के लिए तड़प रही होती हैं उतनी इनकी शक्तियाँ बढ़ती रहती हैं। अगर हमने उसका सर उसे वापस नहीं किया तो वो सबको मार देगा। वेदा ने कहा जिस पर वो सर झुकाए खड़ा हो गया। शंकर बताओ कहाँ पर है वो सर? जिस पर काफी देर के मौन के बाद शंकर बोला सर वो कहाँ है ये तो मैं आपको बता दूं पर वहां जाना खतरों से खाली नहीं है, आप अभी भी सोच लीजिए। और इसके बाद जो बात और कहानी शंकर ने सुनाई उससे सबके होश उड़ गए। कोई ऐसा कर सकता है ये कोई सोच तक नहीं सकता था। यहां तक कि वेदा भी ये सुनकर हैरान हो गए और कुर्सी पर बैठ गए। जो राज इस परिवार के थे वो राज न केवल घिनौने थे बल्कि दंडनीय थे।